सो गाइज इसको मैंने खोल दिया है, ये कुछ ऐसे वाइपर है इसका, ठीक है, और यहाँ पे अटैच होगा। नानसा जाना है तो मैंने गाड़ी के थोड़े क्या वाइपर के इशू आ रहे थे तो वो लेने थे, तो मुझे लगा सूरजपुर जाना रहेगा, पर अपने यहाँ आउटसाइड कार वाला है तो उसके यहाँ से मैंने वाइपर ले लिया है ये। हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सब, गुड मॉर्निंग। उठ चुके हैं हम, सुबह की 7 बज रही है एंड व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे, अभी उठे हैं। तो यार गाइस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, अभी ऑफिस जाना मुझे 8 बजे, तो अभी फटाफट ब्रश करके तैयार होते हैं, बढ़िया फ्रेश स्नान वनान करके और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अभी स्टार्टिंग इसलिए की व्लॉग की क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया बारिश हमारी कंटिन्यू हो रही है ना। जस्ट सो यू द मैं बार बार कर लूँ, ये देखिए ये आउटसाइड रात भर बारिश हुई है। सो गाइस रात भर बारिश हुई है और मुझे लग रहा है कि मैं ऑफिस जाऊँगा उस समय भी शायद स्टार्ट हो जाएगी बारिश हल्की फुल्की, क्योंकि बारिश पूरी तरह से नहीं होगी तो हल्की फुल्के छींटे होते ही है, जिससे कि थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता हूँ मैं डेली जाते हुए, है ना। सो यह निकलते हैं ऑफिस के लिए, सॉरी निकलते क्या, पहले फ्रेश फ्रेश होता हूँ और ब्रश करता हूँ स्नान करता हूँ फिर निकलता चाय वाय पी के, है ना। सो यह टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा, तो चले और फिलहाल एक बार स्नान कर लेते फिर मिलता हूँ, है ना। हाय एवरीवन, सो गाइस मम्मी बनाने स्नान कर लिया है, ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं, 2 पेन ले ली है और अब ब्रेकफास्ट लाइक चाय पी रहे हैं। 7:50 हो चुकी है, 10 मिनट का टाइम है और बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो मैं तो थोड़ा रेनकोट अपने साथ लेके जाऊंगा ताकि गिल्ला ना हो, है ना। तो या गाइस सुबह सुबह की शुरुआत मॉर्निंग टी के साथ, है ना। मला यार ही अंदर बढ़िया, हाँ, मजा आ गया सुबह सुबह चाय पीने का, है ना, और उसके साथ चपाती। तो या गाइस चाय वाय पीते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। गाइस निकल चुके हैं होटल के लिए हम लोग, तैयार होके, है ना। 7-8 तो बज गई है, 5 मिनट या 10 मिनट लेट होंगे। तो यार गाइस निकल चुके हैं और बाहर का मौसम बता दो हमें, गीला गीला हो रहा है सब बारिश की वजह से, देखिए आला हो रहा है, गीला हो रहा है, रेनी सीजन। तो चलते हैं होटल और शाम को मिलते हैं 5 बजे, ओके सी या। गुड इवनिंग एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू आवर व्लॉग अगेन, है ना। सुबह 1 बजे स्टार्ट किया था वो व्लॉग और ऑफिस चला गया था, अभी मैं घर पे आया हूँ। जस्ट थोड़ा सा गिल्ला हो गया था ऑफिस से आते हुए घर पे, क्योंकि थोड़ी रास्ते में बारिश हो गई थी, है ना। अरे यार मेरे को मच्छरों ने काट लिया। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, मुझे क्या है कि पहले कल नानसा जाना है तो मैंने गाड़ी के थोड़े क्या वाइपर के इशू आ रहे थे तो वो लेने थे, तो मुझे लगा सूरजपुर जाना रहेगा, पर अपने यहाँ आउटसाइड कार वाला है तो उसके यहाँ से मैंने वाइपर ले लिया है ये। एक ये वाइपर का सेट है छोटा और ये एक थोड़ा सा बड़ा है, है ना। सो ये दोनों ले लिया, एक 24 इंच का, एक 16 इंच का है। सो या गाइस कोई बात नहीं, अच्छे वाइपर हैं। गाड़ी अभी मारवाड़ जाना है जीजा को लेने के लिए, तो फिर गाड़ी में क्या वो पुराने वाला वाइपर सही नहीं है तो ये चेंज करके और फिर चलेंगे कल सुमेरपुर के लिए। तो यहाँ से कल की प्लानिंग ये है कि भाई मैं एक बार तो यहाँ से निकलूँगा उदयपुर से जल्दी, तो नानसा से फिर गाड़ी लेके मैं और पापा जीजा को लेने सुमेरपुर जाएंगे, अभी रास्ते मिल रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यार, अभी तो थोड़ा बड़ा भी हो गया है और मस्ती करने लग गया है, तो उससे मिलेंगे कल। तो फिलहाल आज की इवनिंग में अभी आए हैं और आके चेंज वेंज किया, मैंने कंफर्टेबल हुआ हूँ और अब चाय वाय बन रही है। सो या चाय को एंजॉय करेंगे और फिर थोड़ा सा ही बार थोड़ा राउंड लेके आएंगे, है ना। और ये वाइपर कुछ इस तरह से छोटा है भैया, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ,
सो ये वन है 24 इंच का, वन है 16 इंच का। ओके दिस इज दी, खोल के देखता हूँ कैसे क्या है अंदर से, है ना। इसकी ग्रिप हटा के देखता हूँ, एक्साइटमेंट होती है एक्चुअली। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अगर नई चीज़ खरीदते हैं थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट तो होती है। सो फिलहाल इसको खोल के देखता हूँ कैसे क्या है ये अंदर से माल मीटर इसका। सो गाइज इसको मैंने खोल दिया है, ये कुछ ऐसा वाइपर है इसका, ठीक है, और यहाँ पे अटैच होगा। कल घर पे जाएंगे, फिर नानसा जाएंगे, फिर इसको उसमें अटैच करके देखेंगे कैसे क्या है। एकदम परफेक्टली आई थिंक लग जाना चाहिए, कोई इशू नहीं उसमें, है ना, लग जाएगा। और नहीं लगेगा तो भी चेंज करा देंगे उदयपुर। ओके इसकी ये अंदर से ग्रिप है छोटी पतली सी। ओके तो गाइस घर से निकल गए थे हम तैयार व्यार होकर बाहर। ओके बाहर आ रही थोड़ी सी बारिश, और अभी थोड़ा मेडिकल पे आए कुछ टैबलेट लेने के लिए। फिर थोड़ा सा मुझे जाऊंगा चौराहे तक, मुझे एटीएम से थोड़े से पैसे निकलाने कल बस के किराए के लिए, है ना। तो अभी जाएंगे पैसे निकलाते हैं और फिर आप घर पे आएंगे। बस इतना सा टूर है बाहर का, बारिश है इसलिए बाहर जा नहीं रहेगी, है ना। तो मेडिसिन लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है कल टिकट के लिए चाहिए थे मुझे, और फिर अभी घर पे चलते सीधा, अभी दूसरा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। सो गाइज घर पे आ गया था मैं, पर लाइट नहीं आ रही था इस वजह से थोड़ा ऐसे अंधेरे में बैठा हूँ मैं, फ्लैश लाइट ऑन करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज एक बार लाइट आया तो पता चला यार, एक तो टीवी भी नहीं चल रही, बार बार पता नहीं क्या यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू आ जाता है बारिश की वजह से। सो टीवी चालू हो जाता है एक तो थोड़ा मेरा टाइम पास हो जाए यार, एक अभी खाना वाना बन रहा है, खाना अंधेरे में खाना बना रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल की लाइट ऑन करके खाना बना रही है। एंड हाँ पैसे विड्रॉल हो चुके थे, घर पे आ गए थे हम लोग, बाइक एक थोड़ी मैंने बाहर दिखाई थी, एक बार बाइक की चेन में कटकट सी आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो क्यों, वो बोल रहे हैं कि बारिश के पानी की वजह से हो रहा है, तो उसने चेन में ऑयलिंग की है। और काफ़ी टाइम से मेरी बाइक भी सर्विस नहीं हुई, तो अभी मैं नानसा जाऊँगा 2-3 दिन के लिए, तो बाइक यहीं रहेगी, तो वो बाहर से आदमी आएगा तो मेरी गाड़ी की सर्विस भी कर लेगा, जिस बारी का सॉरी बाइक का है वो सही वही करते हैं। सो यहाँ एक बार लाइट आने का वेट कर रहा हूँ, जितने मैं पबजी गेम खेलता हूँ और फिर टीवी चला के देखते हैं ना। सो गाइज लाइट आ गई,
जैसे वीडियो रिकॉर्ड लाइक बंद की लाइट आने का वेट कर रहा था थोड़ी देर बैठा कि मैं जब तक लाइट आई तब तक पबजी खेल लेंगे, पर लाइट आ ही गई। अब मैं टीवी चालू करके देखता हूँ कि हमारी टीवी चलती है या नहीं, मतलब टेक्निकल इशू आ रहा है। सो या और काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, मैंने वाइपर तो लिए हैं पर नानसा जाने के लिए एक्साइटेड हूँ और इनको गाड़ी में लगाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो या कल जाके लगाएंगे। एक्चुअली क्या, एक जो पुराना वाइपर है ना उसकी जो नीचे वो आती है ना पत्ती टाइप में, वो निकल गई। पत्ती नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रबड़ का होता है जो, वो निकल ही गया था बाहर। तो जब गाड़ी चलेगी और वाइप होगा तो क्या है कि स्क्रैच हो सकता है कांच के ऊपर, दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया। 450 रुपये का पड़ा, 500 का था पर उसने 450 ही लिया मुझसे, 50 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया है ना। टीवी चल गई है, बहुत बढ़िया। ठीक है तो अब अपने मूवी लगाते हैं और मूवी देखता हूँ और चेंज चेंज भी करता हूँ और फिर बैग पैक भी करना मुझे कल के लिए। इतनी देर मैं लेटर अच्छे से टीवी देख रहा था, साउथ मूवी आ रही है, बढ़िया कॉमेडी थोड़ी भूत वाली मूवी है, देखिए। ये मूवी आ रही है अभी और इसको देखते हुए डिनर करते हैं, भूख लग रही बहुत जोरदार वाली, पता को भी सब्जी बनी हुई है। तो गाइस आज के व्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल, बिकॉज अभी लाइक 9 बज रही है और खाना वाना खा के मैं सोऊंगा अच्छे से, है ना। तो गाइस मिलते हैं कल, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और जरूर शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। सब्सक्राइब करो यार, अभी 400 आज को 4-5 सब्सक्राइब और ज़्यादा अच्छे बढ़े हैं, टोटल 411 हो चुके हैं, 1000 क्रॉस करने हैं, है ना। तो या डू लाइक द वीडियो, आज वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, है ना। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।